लाहौर कलंदर की टीम ने लगातार दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का खिताब जीत लिया है। शनिवार 18 मार्च को गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में लाहौर ने मुल्तान सुल्तान्स को एक रन से पराजित किया। लाहौर की जीत के हीरो कप्तान शाहीन अफरीदी रहे, जिन्होंने पहले बल्ले से तबाही मचाई, 44 रन नाबाद 15 गेंदों में मारे, फिर उसके बाद 4 विकेट चटकाते नजर आए। आपको बता दें, यह फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा और आखिरी दो ओवरों में लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 35 रनों की जीत यहां पर जरूरत थी। मुल्तान सुल्तान्स को जब बल्लेबाजी कर रहे थे लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, खुशदिल शाह और अब्बास अफरीदी ने मिलकर हारिस रौफ के 19वें ओवर में 22 रन बनाए, लेकिन जमान खान के आखिरी ओवर में वे दोनों 13 रन बनाने में नाकाम रहे। मैच की अंतिम गेंद पर मुल्तान को जीत के लिए एक चौके की जरूरत थी, मगर दो ही रन बना पाए। तो चलिए आपको आखिरी ओवर का हाईलाइट बताते हैं, लेकिन उससे पहले 19वां ओवर जान लीजिए कि कैसे 19वां ओवर, जब दो ओवर 35 रन चाहिए थे तो 19वें ओवर यानी जब लेकर आए थे हारिस रौफ 19वां ओवर, तो वहां पर पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर चौका, पांचवी गेंद पर चौका और फिर उसके बाद एक सिंगल आया। फिर उसके बाद जब 20वां ओवर आया तो 20वें ओवर में यहां पर दो रन पहली गेंद पर, दो दूसरी गेंद पर एक रन, फिर उसके बाद तीसरी गेंद पर कोई खाता नहीं खुला, मतलब जीरो रन आया। फिर उसके बाद पांचवी गेंद पर चौका आया और आखिरी गेंद पर जब चौका चाहिए था तो वहां से रन भागने की कोशिश में, यानी कि बाउंड्रीज तो गई नहीं थी, तीन रन बनाने की कोशिश थी, दो ही रन बना पाए थे लेकिन रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाते नजर आए। तो इस तरीके से इस मुकाबले को हारते नजर आए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे लाहौर कलंदर्स की शुरुआत अच्छी रही और मिर्जा बेग 30 रन बनाए, जहां पर फकर जमा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 38 रनों की पार्टनरशिप की। मिर्जा बेग के आउट होने के बाद फकर जमान 39 और अब्दुल्ला शफीक ने 65 रन बनाए और मोर्चा बहुत अच्छे तरीके से संभाला। दूसरे विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी की। हालांकि इसके बाद लाहौर की टीम को मोमेंट्स बिगड़ गया और 15 ओवर जाते जाते उसने 112 रन का स्कोर पर 5 विकेट खो दिए, लेकिन शाहीन अफरीदी ने 15 गेंदों में 5 छक्के और 2 चौके की मदद से नाबाद 44 रन तक बनाए और टीम का स्कोर 200 रन पहुंचाया। 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुल्तान सुल्तान्स की शुरुआत अच्छी रही और पहले 6 ओवर्स के दौरान उसने उस्मान खान, जिन्होंने 18 रन के रूप में विकेट गंवाकर 72 रन बनाए थे टीम ने टोटल, रेली रूसो ने 52 बनाए और कप्तान मोहम्मद रिजवान क्रीज पर जम चुके थे और उन्होंने 10 ओवर में ही टीम का स्कोर 100 रन कर दिया था। यहां से मोमेंट मुल्तान के पास था, लेकिन राशिद खान ने दोनों खिलाड़ियों को आउट कर लाहौर की वापसी कराई। रेले रेसो ने 52 और रिजवान ने 34 रनों की पारी खेली। इसके बाद शाहीन अफरीदी का जलवा देखने को मिला और उन्होंने जल्दी 4 बल्लेबाजों को चलता कर 18 ओवर्स में मुल्तान का स्कोर 7 विकेट पर 166 रन कर दिया। फिर खुशदिल शाह 25 और अब्बास अफरीदी ने 17 रन बनाए, लेकिन मुकाबले में जीत नहीं हासिल कर पाए। पाकिस्तान सुपर लीग के विजेताओं की बात करें तो लाहौर कलंदर्स दूसरी बार चैंपियन बनी। 2021 में मुल्तान सुल्तान्स बनी थी, 2020 में कराची किंग्स, 2019 में क्वेटा ग्लेडिएटर्स, 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2017 में पेशावर जालमी, 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड बने थे। लेकिन आखिरी ओवर का रोमांच ये सबसे बेहतर रहा, क्योंकि आखिरी गेंद पर जब चौका चाहिए और ये नेल बाइटिंग मुकाबला बन जाए तो देखने लायक होते हैं ऐसे मुकाबले। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।